जिला कांगड़ा के अंतर्गत फरेड गांव में कार्य कर रही समाजसेवी संस्था हिम जन कल्याण समिति द्वारा अपना वार्षिक स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में सामाजिक सरोकार और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले महानुभावों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। समाज सेवी संस्था हिम जन कल्याण समिति द्वारा अपना वार्षिक स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने की, जबकि पूर्व सांसद शांता कुमार व वर्तमान सांसद किशन कपूर ने विशेष अतिथि के रूप में कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूली बच्चों द्वारा सरस्वती वंदना के साथ की गई। इसके उपरांत कार्यक्रम में सामाजिक सरोकार व विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले महानुभावों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विजय चोपड़ा ने कहा कि हिमजन कल्याण संस्था समाज के लिए सराहनीय कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि संस्था द्वारा सामाजिक सरोकार के तहत किसानों और मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करने का बेहद अच्छा प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि हिमजन कल्याण संस्था का जो बीज बोया गया था वो अब अंकुरित होकर बड़े संगठन रूपी पौधे की शक्ल ले रहा है। उन्होंने कहा कि जिन संस्थाओं के पीछे मजबूत टीम हो वे संस्थाएं बड़ी जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारें भी आम लोगों की भलाई के लिए कई योजनाएं शुरू करती हैं, लेकिन सामाजिक संस्थाएं भी लोगों की भलाई के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। संस्थाएं जिसका रूप अपने आप अपने कर्म के आधार पर दिखने लगता है, और उसमें एक संस्था है हिम जन कल्याण समिति। कुछ वर्ष पहले मुझे याद है कि प्रवीण जी मेरे पास आए, कहने लगे कि हम एक संस्था बनाना चाहते हैं, आप सहयोग करें। हम सहयोग करने वालों में कौन होते हैं, परंतु कई बार सहयोग किसी व्यक्ति के साथ आदमी हिम्मत के साथ खड़ा हो जाए तो मैं समझता हूं कि वो भी बहुत बड़ा सहयोग है। हिम्मत वाले कुछ लोगों की एक मजबूत टीम किसी संस्था के साथ, किसी नेतृत्व के साथ खड़ा हो जाए तो वही बहुत बड़ा सहयोग है। आज ये संस्था बीज के रूप में अंकुरित होकर के अपना रूप दिखाने का सार्थक प्रयासों से। सिटी चैनल के लिए कांगड़ा से दौलत चौहान की रिपोर्ट।